Now, this is the latest in the Jharkhand judge murder case. CBI Joint Director appeared in the High Court hearing and told the court that their probe showed that the judge was mowed down intentionally by those driving the auto. However, the agency is yet to identify the people behind the conspiracy, but assured it will nab the main plotters soon. Now, this court, after the court had wrapped the CBI, saying that there has been no substantial progress that has been made in the probe and in this case, and that the CBI was giving only routine reports every week. Sohan Singh is joining us for more details here. Sohan, aap hame kya bata sakte hain is pure mamle mein? Abhi ye murder ke taur pe CBI bol rahi hai. देखिए, सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है. झारखंड के धनबाद में जज उत्तम आनंद के मौत के बाद सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन आज हाई कोर्ट में जज उत्तम आनंद के मामले पर सुनवाई थी और सीबीआई के जनरल डायरेक्टर को पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने कोर्ट में पेश होने को निर्देश दिया था. तो सीबीआई के जनरल डायरेक्टर ने आज हाई कोर्ट में पेश होकर पूरे जो केस का जो स्टेटस रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट को बताया है कि सीबीआई कैसे इस पूरे मामले की जांच कर रही है. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई के जूनियर डायरेक्टर ने हाई कोर्ट को बताया है कि अब तक के जांच में ये बातें सामने आई है कि जज उत्तम आनंद को जानबूझकर टक्कर मारा गया था. इसलिए कि जो ऑटो चालक जो ऑटो चला रहे थे उन्होंने जानबूझकर जज उत्तम आनंद को टक्कर मारा था, जिसके बाद जज उत्तम आनंद की मौत हुई थी. उसके बाद सीबीआई ने बताया है कि जो दो लोगों को सीबीआई ने पकड़ा है वो बहुत शातिर है और बहुत चालाक है. कई बार उनसे पूछताछ की गई है और हर बार पूछताछ में एक अलग अलग बहाना बनाते हैं, अलग एक नए मोड़ ले आते हैं, नई बात बताते हैं. तो सीबीआई इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन सीबीआई ने इस बात को माना कोर्ट में कि जज उत्तम आनंद को जानबूझकर टक्कर मारा गया था. इसका मतलब सीबीआई ने कहा है कि इसके पीछे जो लोग भी हैं, इसके पीछे जिन लोगों ने भी षड्यंत्र किया है उन तक सीबीआई पहुंचेगी और उन तक सीबीआई पहुंचने के लिए सीबीआई पूरी कोशिश कर रही है. सीबीआई के जो अधिकारी हैं जो वो दिन रात इस केस में लगे हुए हैं. इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि पहली बार है किसी जज की हत्या हुई है और जज की हत्या के बाद जो न्याय अधिकारी है उनका मोरल डाउन है, तो सीबीआई इस पूरे मामले की तह में जाए और जज की हत्या में जो लोग भी अगर इसके पीछे हैं सीबीआई उनको जल्द से जल्द पकड़े. तो सीबीआई ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और हर एंगल से जांच की जा रही है. हालांकि सीबीआई जो जांच कर रही है उस पूरे केस का खुलासा मीडिया में नहीं कर रही है. सीबीआई के जो अधिकारियों ने कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, कोई भी केस मीडिया में नहीं बताया जाएगा. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई ने जो कोर्ट में आज कहा है इससे साफ हो गया है कि जज उत्तम आनंद की हत्या हुई थी और हत्या में अब इनके पीछे कौन लोग थे सीबीआई उनको खोजने की प्रयास कर रही है और सीबीआई उन तक पहुँचने की कोशिश कर रही है. जी जी बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी जानकारी के लिए.